पौराणिक मान्यता के अनुसार शेषनाग के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें राम के भाई लक्ष्मण और कृष्ण के भाई बलराम मुख्य हैं। रामायण अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे लक्ष्मण। उनकी माता का नाम सुमित्रा था। लक्ष्मण के लिए राम ही माता पिता, गुरु, भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन ही इनका मुख्य धर्म था। वे उनके साथ सदा छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अपमान सूचक शब्द को ये कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महान है। 14 वर्ष पत्नी से दूर रहकर उन्होंने केवल राम की सेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बनाया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन थीं और सीता के विवाह के समय ही दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को ब्याही गई थीं। जब राम और सीता के साथ लक्ष्मण भी वनवास को जाने लगे, तब पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की जिद की, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। उर्मिला के लिए यह बहुत कठिन समय था, ऐसे में जबकि वह नववधू थी और उसके दाम्पत्य जीवन की तो अभी शुरुआत ही हुई थी। लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उर्मिला को मायके चलने का अनुरोध करने लगे, ताकि माँ और सखियों के सान्निध्य में उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके। परंतु उर्मिला ने अपने मायके मिथिला जाने से इनकार करते हुए कहा कि पति की आज्ञा अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ न छोड़ना ही अब उसका धर्म है। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था। जब लक्ष्मण जा रहे थे, तब इस सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू न बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वह कभी आंसू न बहाएंगी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेंगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएंगी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला से 14 वर्ष तक दूर रहे तो उर्मिला ने इस दौरान क्या किया। इस संबंध में मान्यता कर आधारित एक कथा पढ़ने को मिलती है। इस कथा का वर्णन रामचरितमानस आदि में नहीं मिलता है। कथा यह है कि रावण के पुत्र मेघनाद को यह वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्षों तक सोया न हो वही उसे हरा सकता है। हालांकि लक्ष्मण अपने भाई श्रीराम और भाभी सीता की सुरक्षा और सेवा में इतने लगे रहे कि वे 14 वर्ष तक सो ही नहीं पाए। कथा अनुसार उनके बदले उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही। रावण के वध के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटे आए और वहां प्रभु श्री राम के राज तिलक की तैयारी होने लगी। उस समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। जब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने जो कहा कि सारी उम्र उन्होंने इसी घड़ी का इंतजार किया था कि मैं अब श्री राम का राज तिलक होते हुए देखूंगा, लेकिन अब उन्हें निद्रा देवी को दिया गया वो वचन पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास जाने के पहले दिया था। दरअसल निद्रा ने उनसे कहा था कि वह 14 वर्ष के लिए उन्हें परेशान नहीं करेंगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएंगी। निद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वह राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने यह रस्म देखी थी। लक्ष्मण के उर्मिला से अंगद और चंद्रकेतु नाम के दो पुत्र तथा सोमदा नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। अंगद ने अंगदियापुरी तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना की थी। उर्मिला के पतिव्रत का बल एक अन्य कथानुसार लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला का पतिव्रत धर्म था। मेघनाद के वध के बाद उनका शव श्री राम जी के युद्ध शिविर में रखा हुआ था। उस शव को मेघनाद की पत्नी सुलोचना लेने आई। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। वह रोने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूलकर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 साल तक सोती रहीं तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया। तो उत्तर यह है
कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दे दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थीं।